हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो का पार्ट 13 है। तो इससे पहले के सारे पार्ट्स देखने के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर के नाम से होगा। ठीक है, क्लास 9th की किताब के केमिस्ट्री के फर्स्ट यानी सेकंड चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के मैथड के बारे में। ठीक है, तो अब क्रिस्टलाइजेशन का मेथड जो होता है, एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं बात करूं कि हमें एक इम्प्योर सैंपल है हमारे पास कॉपर सल्फेट का, और उससे हमें प्योर कॉपर सल्फेट जो है अलग करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, उसमें हम इम्प्योर सैंपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, और उसमें मिनिमम अमाउंट में पानी मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो इम्प्योरिटीज़ उसमें होती हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद हम पानी को इवापरेट करने लगते हैं, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पानी मिलाने की वजह से बन गया था। क्यों? ताकि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका मिल जाए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के ज़रिए से कवर कर देते हैं और उसे एक दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे वो प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं चाइना डिश के अंदर। तो दिस इज़ हाउ द मेथड वर्क्स। सो इस मेथड के बारे में, ये मेथड जो होता है किसी भी सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पर इसके अलावा जो समंदर के अंदर यानी सी वाटर में जो में से जो सॉल्ट को अलग किया जाता है, वो भी उस मेथड उसके लिए भी यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो इस मेथड के बारे में मैं लिख सकता हूँ, सो दिस टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन बिकॉज सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम सॉलिड्स लाइक शुगर मे गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। यानी कुछ सॉलिड जो होते हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं, और कुछ सॉलिड जैसे शुगर है वो चेयर्ड हो जाता है हीट करने पर जब वो ड्राई होता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सॉल्यूशन के अंदर फिल्टर करने के बाद भी डिसॉल्व रहती है, और एवापोरेशन के बाद ये सॉलिड को कंटेमिनेट कर देती है यानी उसको गंदा कर देती है। तो इस वजह से दिस टेक्निक यानी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल एवापोरेशन। अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट जो हम सी वाटर से हासिल करते हैं उसका प्योरिफिकेशन करने में ये मेथड इस्तेमाल होता है, और जो एलम होता है एलम के क्रिस्टल्स का सेपरेशन भी उसके इम्प्योर सैंपल से हासिल किया जाता है बाय दिस टेक्निक विच इज़ क्रिस्टलाइजेशन।